नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आज मैं शिंकानसेन से क्योटो जा रही हूँ। शिंकानसेन अभी तो नहीं आई, अब आने वाली है। तो मैं शिंकानसेन भी दिखाना चाहती हूँ, क्योटो भी दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। टिकट है, कल मैंने खरीदा। चलो चलते हैं। मेरा शिंकानसेन नोजोमी 201 ये है, प्लेटफॉर्म नंबर 24। जापानी एस्केलेटर में अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में खड़े हो जाइए, अगर चढ़ना चाहते हैं तो राइट साइड चलते हैं। ये नियम है, लेकिन ओसाका में उल्टा है। ओसाका में राइट साइड में खड़े हो जाते हैं। मैंने स्टेशन का टिकट लिया, मतलब है सीट फिक्स है। यहाँ लिखा है 7号車15番 ई सीकी, कार नंबर 7, 15 नंबर ई सीट। इसलिए कार नंबर 7 की जगह में इंतजार करना अच्छा है। आ गया लौट के, देखो शिंकानसेन। हर सीट के सामने मेज लगी हुई है, इसलिए इसको खोलकर कुछ चीज़ें रख सकते हैं। मैं खाना खाऊंगी। टडा, ये मेरा नाश्ता है, कॉम्बिनी में खरीदा। जापानी चावल के अंदर कुछ चिकन्स डाला हुआ है, बहुत अच्छा है। खाना तो हो गया, अब काम करने का समय आ गया। अफसोस की बात यह है कि शिंकानसेन में ठीक से वाईफाई नहीं चलता है, इसलिए मेरे फोन से टीजरिंग करना पड़ा। अच्छी बात यह है कि चार्जिंग तो कर सकते हैं हम, नीचे चार्जर लगाने का कुछ है। शिंकानसेन में एक या दो बार कॉफ़ी या कुछ खाना बेचने के लिए वागोन आता है, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। शिंकानसेन में टॉयलेट लगी हुई है और सिगरेट पीने के लिए स्मोकिंग रूम भी लगा हुआ है। चलो अब मैं आपको शिंकानसेन के बारे में कुछ सिखाऊंगी, ठीक है? यह है शिंकानसेन का मैप। आप देख सकते हैं कि जापान में अब 6-7 शिंकानसेन के रूट्स रास्ते होते हैं।
और अब तीन चार रास्ते बनाने वाले हैं। अभी अभी मैं टोक्यो से क्योटो जा रही हूँ। 2 घंटे और 15 मिनट का रास्ता है। टोक्यो से क्योटो जाने के लिए शिंकांसन बहुत अच्छा है, क्योंकि हवाई जहाज जैसे पहले से बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, और जब जाते समय सामान चेक या कुछ इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। जो आता है बुलेटिन वहाँ बैठ सकते हैं। मेरी माताजी फुकुओका में रहती हैं, इसलिए मैं फुकुओका भी जाती हूँ। लेकिन टोक्यो से फुकुओका तक बुलेटिन में 4 घंटे और 40 मिनट लगते हैं, बहुत है ना। इसलिए जब मैं फुकुओका जाती हूँ तब बुलेटिन शिंकांसन नहीं हवाई जहाज से जाती हूँ। टिकट खरीदने का तरीका सिखाऊंगी। कोई भी JR ट्रेन्स के स्टेशन के पास ऐसा जगह होती है जहां हम टिकट खरीद सकते हैं। आज तो गोल्डन वीक जापानी हॉलीडेज के एक दिन पहले है, इसलिए बहुत ही लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन यूजुअली इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये मशीन से हम खरीद सकते हैं। टोक्यो या ओसाका जैसे बड़े शहर में टिकट शॉप होते हैं। टिकट शॉप में रंग बिरंग टिकट थोड़े से सस्ते में मिलता है, इतना फर्क नहीं है, थोड़ा सा सस्ता है। यहाँ से भी शिंकांसन का टिकट खरीद सकते हैं। टोक्यो से क्योटो तक के शिंकांसन का प्राइस ऐसा है। मैंने रिजर्व्ड सीट लिया है, इसलिए 8,810 रुपीज। अगर फर्स्ट क्लास सीट लेंगे तो और महंगा पड़ेगा। फर्स्ट क्लास ऐसा होता है, कुर्सी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। मैं हमेशा खिड़की वाला सीट लेती हूँ ताकि ऐसे बाहर देख सकूँ, और शिंकांसन में सिर्फ खिड़की वाले सीट में ही चार्जर लगी हुई है, इसलिए मैं हमेशा खिड़की वाले सीट लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं क्योटो के प्रसिद्ध मंदिर दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मतने बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।